सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएलआर नर्स। तो आज मैं आपको ऐसी पांच चीज़ें बताने वाली हूँ कि मैं आपको 100% गारंटी कर रही हूँ कि आपका सीए इंटर के दोनों ग्रुप इसी बार में दिसंबर 2021 में क्लियर होंगे। लेकिन उसके लिए ये पांच चीज़ें आपको लगातार कंटिन्यूस अच्छी तरीके से फॉलो करनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के अपने फर्स्ट उससे। मैं पहले से काफ़ी वीडियो से ही बोलती आई हूँ कि हमें सिर्फ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि इतना सारा चीज़ें है पढ़ने के लिए, आईसीएआई मॉड्यूल है, हमने जिससे लेक्चर्स लिया था वो है, तो हमें किससे पढ़ना चाहिए आखिर। कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है, आपको दोनों में से सिर्फ आईसीएआई मॉड्यूल को चूज़ करना है। जो आईसीएआई मॉड्यूल है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए, हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। उसका एक भी वर्ड, उसका एक भी क्वेश्चन हमसे बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। तो फर्स्ट हमारी क्या हो गई टिप कि हमें आईसीएआई मॉड्यूल करनी है, भले ही वो थ्योरी सब्जेक्ट्स हो, भले ही वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो। उसका एक भी क्वेश्चन, एक भी एमसीक्यू ऐसा नहीं हो कि जो एग्ज़ाम में आए और हम ना कर पाए, क्योंकि ये सबसे इजी चीज़ रहती है। आईसीएआई मॉड्यूल का जो लेवल रहता है बाकी सारी चीज़ों के करते वो काफ़ी नॉर्मल रहता है, आप उसको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो एटलीस्ट जो आईसीएआई मॉड्यूल से क्वेश्चन आते हैं 40 से 50 नंबर तक के, कभी कभार उससे ज़्यादा भी आ जाते हैं, वो हमसे न छूट जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पूरी आईसीएआई मॉड्यूल कवर करनी है इन लास्ट जितने भी डेज आपके पास बचे हैं, 40-35 डेज जितने भी आप बचे हैं उसमें आईसीएआई मॉड्यूल से ही पढ़ना है। 8ों सब्जेक्ट के आईसीएआई मॉड्यूल आपको प्रेफर करनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टच भी नहीं करते उसको, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। और फेल होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम आईसीएआई को भाव नहीं देते, उसके खोल के नहीं देखते उसको, ऐसा होता है। तो फर्स्ट आईसीएआई मॉड्यूल करना है। सेकंड आता है कि बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं अंदर से, लास्ट में डिप्रेशन ऐसा कुछ हो जाता है। तो यार ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपका नहीं भी हो पा रहा है तो डिप्रेशन की कोई बात नहीं है, आपने बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं कर दिया, थोड़े टाइम बाद फिर अटैम्प्ट आ जाएगा उसमें कर लो। अंदर से डीमोटिवेट हो जाओगे, जितना कर पा रहे हो ना उतना भी नहीं कर पाओगे। अगर दोनों ग्रुप का सोच रहे हो नहीं हो पाए तो एक ग्रुप पर शिफ्ट हो जाओ। वैसे तो मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी आने वाली वीडियो में कि आप दोनों ही ग्रुप अच्छे से दे पाओगे, लेकिन सबसे पहली चीज़ क्या रहती है कि अगर हम दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, जितना है उतना अच्छे से कर लो, ठीक है। थर्ड हमारी ट्रिक आती है यहाँ पर कि हमें कैसे क्वालिटी चूज़ करनी है क्वांटिटी के ऊपर। कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार मेरे पास इतना सब कुछ है, मैं 100% सब कुछ कवर कर लूँ, ऐसा नहीं है। जितना अभी तक कर लिया है पहले से, जितना बाकी है बाकी वाला छोड़ो, 40-50 नंबर तक का अगर कर लिया है काफ़ी है, 60 नंबर तक का कर लो मैक्स, पूरा 100 नंबर का करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई बीकॉम के एग्ज़ाम नहीं, सब कुछ करके सब कुछ लिख के आ गए, जितना कर रहे हो ना उतना बहुत अच्छे से करो। एटलीस्ट आपने जितना करा उसमें से एक शब्द भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपको बाद में पेपर में आए और आपको नहीं आता हो। ये सिचुएशन सबसे बुरी रहती है कि सब कुछ कर लिया और कुछ भी नहीं आता है। सबसे बेस्ट सिचुएशन रहती है जो करो कम करो और बहुत अच्छा करो, और स्टार्टिंग में वो लिख दो पेपर में, इतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। जो नहीं भी आता और लिखा होगा तो उसके भी नंबर मिल जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो क्या चूज़ करना है, क्वालिटी चूज़ करनी है क्वांटिटी के ऊपर। ये मेरी हो गई अपनी थर्ड ट्रिक। फोर्थ ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ 24 में से हम तो बस 2-3 घंटे सोएंगे और इतना पढ़ लेंगे। अगर आप एक नॉर्मल सिचुएशन में हो, अब लास्ट के 40 डेज आप एटलीस्ट 14 आवर्स पढ़ना शुरू कर दो। नींद जो है वो 6 घंटे की ले लो, तो भी 4 घंटे जो है वो फिर थोड़ा सा ब्रेक टाइम और एंटरटेनमेंट टाइम इसका करके कंसीडर 14 आवर्स की इफेक्टिव स्टडीज़ में बोल रही हूँ। 14 आवर्स ऐसा नहीं कि भाई बुक लेके बैठे हुए 1 घंटे भी सीरियसली नहीं पढ़ा और 14 से 15 घंटे में बुक लेके बैठे हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इफेक्टिव आवर्स का टाइम बता रही हूँ कि जो 14 आवर्स रहते हैं वो काफ़ी अच्छा टाइम है, ना बहुत ज़्यादा भी है, क्योंकि 40 डेज ही बचे हैं तो इतना आप एटलीस्ट कर सकते हो। तो 14 आवर्स की स्टडी होनी चाहिए। तो मैंने आपको चार चीज़ें क्या बता दी अभी तक, आईसीएआई मॉड्यूल प्रेफर करनी है, बिल्कुल डीमोटिवेशन नहीं लाना है, 14 आवर्स की क्या करनी है स्टडी करनी है, और क्वालिटी चूज़ करनी है क्वांटिटी के ऊपर। अब ये जो फिफ्थ ट्रिक है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और यही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है आपके फेलियर और पास होने के बीच में। तो इस ऑब्स्टेकल को जो है हमें कवर करना है। सबसे मेन, हम हमारा फ़ोन जो है वो हमारे पास रखते हैं पढ़े करते टाइम, उसके नोटिफिकेशंस की बेल बार बार बजती है, कुछ ना कुछ मैसेज के ट्यून आती है, तो इससे बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। जो फ़ोन है, जो सोशल मीडिया है, या फिर अगर आपको बाहर जाने का घूमने फिरने का शौक है, तो आपको एटलीस्ट 40 डेज के लिए वो अपने शौक सारे बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी अभी आपकी पढ़ाई है। अगर ये आपने 1-1.5 महीना मन लगा के पढ़ लिया, उसके बाद आगे की लाइफ फाइनल में बहुत मज़ा है, आर्टिकलशिप में बहुत अच्छा है, मज़ा है,
सब कुछ है, फन है, लेकिन अगर आप इंटर में नहीं क्लियर हो पाए तो एक डीमोटिवेशन सा आ जाता है अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाए तो। पर इसी के लिए मैं बोल रही हूँ कि जो फ़ोन है वो बिल्कुल आपको यूज़ नहीं करना है। पढ़ाई से रिलेटेड अगर कुछ डाउट्स आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही, गूगल सर्च करना है, अगर कुछ एडवाइस के लिए लाइक यूट्यूब वीडियो से, ये फिर भी ठीक है। लेकिन अगर आप किसी और लाइक व्लॉग चैनल पे अगर आप जाके उसको कर रहे हो लाइक सर्च और कुछ भी लाइक एंटरटेनमेंट के लिए, फ़ोन का यूज़ मत करो, क्योंकि ऑलरेडी आँखें जो रहती है 14 घंटे आप पढ़ोगे तो काफ़ी मतलब थक जाती है आँखें। उसके बाद उसको फ़ोन की रेस से थोड़ा दूर रखने की कोशिश करो। अगर आपको ब्रेक लेना है तो लाइक ओपन एरिया में जाओ, थोड़ा छत वत पे घूम के आओ, नीचे घूम के आओ, लाइक ऐसे मतलब नेचुरल सोर्सेज जो हैं उनसे ब्रेक लेने की कोशिश करो। रात को सोने से पहले फ़ोन बिल्कुल मत यूज़ करो, फ़ोन को थोड़ा दूर रखो। तो ये फिफ्थ और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको क्या करवा सकती है, पास। मैं अब गारंटी देती हूँ कि अगर आपने ये 5 चीज़ें फॉलो कर ली अपनी लाइफ में तो आपका ये वाला जो नेक्स्ट अटैम्प्ट है दिसंबर वाला, ये क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता और यू विल बी हैप्पी आफ्टर वर्ड्स दैट। क्योंकि मतलब एक बार एग्ज़ाम का 8th पेपर आप कंप्लीट करके घर आ गए ना, उसके बाद फिर महीने 2 महीने बाद रिजल्ट आएगा। जितना फ़ोन चलाना है, जो करना है, घूमने फिरने नहीं गए इस टाइम पर, जो भी आपने करा है लाइक कॉम्प्रोमाइज़, वो सब चीज़ें आप करो। पर सबसे इम्पॉर्टेंट अभी आपके लिए क्या होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए अपनी, सब जो चीज़ें हैं इन 5 चीज़ों को फॉलो करो और फिर देखो 100% आपका 200% मैं बोल रही हूँ क्लियर होगा। नहीं होगा तो फिर आके कमेंट में मेरे को बताना कि मतलब क्या फॉलो नहीं करा था कि नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि होगा क्लियर, कोई रोक नहीं सकता आपको। तो ऑल द बेस्ट गाइस, वीडियो अगर पसंद आई हो, मोटिवेशन मिला हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।